हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चटनी। हम इस चटनी को बनाने के लिए स्प्रिंग अनियन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, मैंने स्प्रिंग अनियन लिए हुए हैं और मैंने लिया है हरा धनिया, लाल मिर्च, एक टमाटर, कुछ मैंने लहसुन की कलियां ली हुई है कोई करीब 7-8 और आधा इंच मैंने जिंजर लिया हुआ है, नमक स्वाद अनुसार। तो चटनी बनाने के पहले हम क्या करेंगे, स्प्रिंग सीजन को छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। ये मैंने वॉश करके रखा हुआ है और धनिया को भी मैंने चॉप कर लिया हुआ, चिलीज को भी चॉप कर लूंगी और ये टमाटर जो है इसको मैं गैस के ऊपर जला लेती हूँ पहले। तो ये देख लेते हैं, टमाटर को डायरेक्टली आप गैस पे रखें और इसको जला लें। देख सकते हैं, इसको आपने पलटते रहना है, टमाटर जलना नहीं चाहिए और हर साइड से आपने इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब देख सकते हैं कि टमाटर जो है चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसका जो ऊपर का छिलका है वो हम अलग कर लेंगे और इसको कोई 4 या 5 पीसेस कर लेंगे ताकि हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर सकें। टमाटर जो है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इस तरीके से इसका जो छिलका है वो अलग कर लेंगे। इससे चटनी का जो स्वाद होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजें मैंने तैयार कर ली हुई है। अब हम चटनी बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम मिक्सी में जो लहसुन और जो अदरक के वो है वो डाल देंगे और इसको लहसुन और अदरक पीस चुका है। अब हम इसमें बाकी चीजें डालेंगे। चटनी को आपको दरदरा कूटना है, ज्यादा ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है। लहसुन अदरक को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने वो चीजें पहले डाली है। अब आप बाकी की चीजें सारी डाल दें। तो देख सकते हैं कि चटनी आपकी पीस चुकी है। हम इसमें नमक जो है वो स्वाद अनुसार डाल लेते हैं। तो हम देख सकते हैं ये जो चटनी है ये बनकर तैयार हो चुकी है। ये सीजनल चटनी होती है क्योंकि स्प्रिंग सीजन है जो किसी एक ही सीजन में होते हैं। तो आप इसे जरूर बनाएं और खाएं। इसका स्वाद जो होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो जरूर ट्राई करें।